हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर बात करने वाले बंदर गेम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, बात करने वाले हेडोस 380 के रिलीज डेट के बारे में। मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं तो वो आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले 30 लाइक का मैं लाइक कंप्लीट कर देना। और फिर मैंने यार यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक न्यू चैनल ओपन किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर जरूर आप लोग विजिट करना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो को जितना आप लोग लाइक करोगे उतने चप्पल होंगे क्रिएटिव मंकीज मतलब बंदर गेम के लिए। अगर एक लाइक है तो 100 चप्पल है मंकी गेम के लिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आपको जो भी न्यूज़ देता हूँ बिल्कुल रियल न्यूज़ देता हूँ, क्योंकि यार मैं आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ। तो यार देखो, जैसे मैं आपको 2 दिन से अपने वीडियोज़ में बोल रहा था कि एपीके प्योर पे डेट्स अपडेट होना है, मतलब 20 से 21 हुआ, अब 21 से 22 हुआ। तो गाइस यहाँ पे एक और डेट अपडेट हुआ है, तो वही आपको वीडियो में दिखाने वाला। और वहाँ से मालूम चलता है कि गेम इनका डिले तो नहीं होने वाला है, गेम इसी मंथ आने वाला है। लेकिन रीज़न रिवील हो चुका है कि इनका गेम इतना लेट क्यों हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं रीज़न क्या है इस गेम के डिले होने का। सो गाइस, यहाँ पर लोग ने स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग टाइम भी देख लो, 11:12 हो रहा है। और ये आईजी का स्क्रीनशॉट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे लेटेस्ट वर्जन लिखा है, लेकिन अगर आप लोग पब्लिश डेट लिखो तो कल यहाँ पर लिखा था 21 मई 2021, लेकिन यहाँ पर आज हो चुका है 22 मई। तो यहाँ पे यार ये गेम को बार बार एपीके पे और अपडेट कर रहा है, मतलब प्ले स्टोर पर गेम बार बार अपडेट हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि अगर गेम एपीके प्योर पे अपडेट होता तो मतलब गूगल प्ले स्टोर पे भी अपडेट होता है। तो फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्यों ये गेम लॉन्च नहीं हो रहा। फ्रेंड, इसका सिर्फ अब देखो एक ही रीज़न हो सकता है। फ्रेंड, अगर देखो एपीके प्योर पे गेम अपडेट हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हेडोज ने रिव्यू में गेम को बहुत लेट भेजा, और रिव्यू में गूगल प्ले स्टोर थोड़ा टाइम दे रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने 21 तारीख को गेम को रिव्यू के लिए भेजा था, और गेम को रिव्यू होने में मिनिमम यार 3 दिन तो लगते हैं, या फिर 7 दिन, मुझे कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम 3 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से हो सकता है कि हेडोस गेम डिले हो रहा हो। और अब मुझे पता नहीं ये बंदर कंपनी कब गेम लॉन्च करेगी, क्योंकि ऐसा इन्होंने WCB के साथ किया था, 1 साल बाद गेम आया था, बंदर कंपनी सब बंदर खाने चले गए थे। तो पता नहीं ये बंदर गेम क्या करती है, तो देखते हैं ये क्रिएटिव मंकी क्या क्रिएटिव लाती है हेडोस में, या फिर से हक देती है। तो चलो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और मेरे सेकंड चैनल का लिंक जो कि शॉर्ट्स का है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार वीडियो को जरूर वॉच करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।